दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओशियन ट्रिप में। इस वीडियो में मैं आपको 2023 के लिए 10 बेस्ट क्रूज लाइन के बारे में बताने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों यदि आप इस साल कहीं क्रूज ट्रिप के लिए सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्रूज लाइन है डिज्नी क्रूज लाइन। डिज्नी क्रूज लाइन द वर्ल्ड डिज्नी कंपनी की सहायक कंपनी है। डिज्नी क्रूज लाइन फैमिली फ्रेंडली एटमॉस्फियर और मैजिकल एक्सपीरियंसेस के लिए जाना जाता है। यह क्रूज लाइन वर्तमान में बहामास, कैरेबियन, बरमूडा, यूरोप, अलास्का, कनाडा और मैक्सिको के लिए क्रूज ऑफर करता है। इस क्रूज में आपको बहुत सारे एक्टिविटीज मिल जाएंगे, जैसे कैरेक्टर मीट, लाइव इंटरटेनमेंट, वाटर स्लाइड आदि। यदि आप फैमिली के लिए किसी ऐसे क्रूज लाइन की तलाश में हैं जहां आप अपने जर्नी को मेमोरेबल बना सकें और ढेर सारे फन कर सकें तो डिज्नी क्रूज लाइन आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगला क्रूज लाइन है रॉयल कैरेबियन इंटरनेशनल। रॉयल कैरेबियन इंटरनेशनल दुनिया का सबसे फेमस क्रूज लाइन है। यह क्रूज सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इस क्रूज में काफ़ी सारी एडवेंचर एक्टिविटी जैसे वाटर पार्क, आइस स्केटिंग और जीप लाइन आदि शामिल है। रॉयल कैरेबियन इंटरनेशनल बहुत सारी डेस्टिनेशन के लिए क्रूज पैकेज ऑफर करता है, जिनमें कैरेबियन टू अलास्का, अलास्का टू यूरोप शामिल है। हमारा अगला क्रूज है सेलिब्रिटी क्रूज। सेलिब्रिटी क्रूज अपने लग्जरियस शिप के लिए जाना जाता है। यह शिप वैरायटी ऑफ डाइनिंग और इंटरटेनमेंट ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जैसे लाइव म्यूजिक, मूवीज और डांसिंग। सेलिब्रिटी क्रूज बहुत सारी डेस्टिनेशन के लिए पैकेज ऑफर करता है, जिनमें कैरेबियन, यूरोप और साउथ अमेरिका शामिल है। अगला क्रूज है कार्निवल क्रूज लाइन। कार्निवल क्रूज लाइन सबसे अफोर्डेबल क्रूज लाइन माना जाता है। कार्निवल शिप में आपको वाइड वेराइटीज के एक्टिविटीज मिल जाएंगे, जैसे वाटर पार्क, कैसिनो और ब्रॉडवे स्टाइल शो। कार्निवल में आपको वेराइटी ऑफ डेस्टिनेशन मिल जाएंगे, जैसे कैरेबियन, मैक्सिको और अलास्का। अगला क्रूज लाइन है नॉर्वेजियन क्रूज लाइन। नॉर्वेजियन क्रूज को फ्री स्टाइल क्रूजिंग कंसेप्ट के लिए जाना जाता है। इसमें आपको पूरा फ्रीडम मिलता है कि आप ऑनबोर्ड कहाँ अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इस क्रूज में आप बिल्कुल रिलैक्स और इन्जॉय कर सकते हैं। नॉर्वेजियन क्रूज बहुत सारी जगहों के लिए पैकेज ऑफर करता है, जिनमें कैरेबियन क्रूजेज, अलास्का क्रूजेज और यूरोपियन क्रूजेज शामिल है। अगला क्रूज लाइन है प्रिंसेस क्रूज। प्रिंसेस क्रूज एडल्ट और फैमिलीज के लिए काफ़ी पसंदीदा क्रूज है। इस क्रूज में आपको काफ़ी सुविधाएं मिल जाएगी, जैसे पूल्स, एस्पा और कैसिनो। इस क्रूज में भी आपको वेराइटीज ऑफ पैकेज मिल जाएंगे, जैसे कैरेबियन क्रूजेज, अलास्का क्रूजेज और यूरोपियन क्रूजेज। अगला क्रूज लाइन है होलैंड अमेरिका क्रूज लाइन। होलैंड अमेरिका लाइन को क्लासिक और ट्रेडिशनल क्रूजिंग एक्सपीरियंस के लिए जाना जाता है। इस क्रूज में भी आपको लग्जरी सुविधाएं जैसे पूल्स, एस्पा और कैसिनो आदि मिल जाएंगे। होलैंड अमेरिका क्रूज लाइन भी काफ़ी डेस्टिनेशन के लिए पैकेजेस ऑफर करता है, जिनमें कैरेबियन क्रूजेज, अलास्का क्रूजेज और यूरोपियन क्रूजेज शामिल हैं। अगला क्रूज लाइन है कनार्ड लाइन। कनार्ड एक ब्रिटिश क्रूज लाइन है, जहां सबसे अच्छा ट्रेडिशनल क्रूजिंग एक्सपीरियंस मिलता है। इस शिप को स्टाइलिश और क्लासिक ओशियन लाइनर स्टाइल के लिए जाना जाता है। यह क्रूज बहुत सारी डेस्टिनेशन के लिए पैकेजेस ऑफर करता है, जिनमें स्पेन, मलेशिया और सिंगापुर आदि शामिल है। अगला क्रूज लाइन है सीबर्न क्रूज लाइन। सीबर्न क्रूज लाइन एक छोटा शिप है, जिनमें सभी लग्जरियस सुविधाएं मिल जाएगी। यह क्रूज लाइन भी काफ़ी जगहों के लिए पैकेजेस ऑफर करता है, जिनमें अमेजन, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया आदि शामिल हैं। हमारा लास्ट क्रूज लाइन है वाइकिंग ओशियन क्रूज।
वाइकिंग ओशियन क्रूज एक बहुत ही लग्जरियस क्रूज लाइन है जिनमें एजुकेशनल क्रूजिंग एक्सपीरियंस ले सकते हैं। यह क्रूज भी काफ़ी अच्छे जगहों के लिए पैकेजेस ऑफर करता है जिनमें यूरोप, आइसलैंड और डेनमार्क आदि शामिल हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। थैंक यू।